हाल के जहानुमा पैलेस में मौजूद है, जहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिस्ट हमें देखने को मिले हैं, जो कि दिगांगना, यंग आर्टिस्ट श्वेता तिवारी, सौरभ जैन, ये सब अपने वेब सीरीज़ के प्रमोशन के लिए आए हैं, जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग और इनोवेटिव है। तो आइए जानते हैं इनसे कि क्या क्रिएटिव है इस प्रोजेक्ट के बारे में और क्या अलग है, आइए जानते हैं। Okay, so first thing that I want to ask you guys that how excited are you both about this project? What do you think when you look at us? I can see you are excited, but then I want to hear it from you. Yeah, we are very excited. करके रखा हुआ है, मार्क करके रखा हुआ है कि हाँ, ये वाली टॉपिक्स हम एक्चुअली घरों में बात नहीं करते, हम ये चीज़ें एड्रेस नहीं करते, अपने माइंड में ही ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो इस बात से ज़्यादा एक्साइटेड है, करेक्ट? राइट ही सर, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में बात नॉर्मली नहीं करते हैं, लोग झिझकते हैं या शर्माते हैं या उतनी हिम्मत नहीं रखते, और ये वाला जो प्रोजेक्ट है उसी को शोकेस करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या यूथ को मैसेज देना चाहते हैं या सोशल मैसेज? देखिए, आजकल जितने भी शोज़ बन रहे हैं ना, वो यूथ के लिए ही बन रहे हैं, स्पेशली OTT पे, क्योंकि OTT पे पीछे की जनरेशन नहीं देख रही है। ये इस तरह का शो इसलिए बनाना ज़रूरी है कि ये जो बच्चे हैं जो आज TV पे देखते हैं, उनको समझने की ज़रूरत है कि ये टॉपिक कोई टैबू नहीं है, ये टॉपिक बहुत नॉर्मल है। It is all right अगर आपका strap दिख रहा है। You don't really have to cover your strap. Why? I wear strap. Don't you know I wear a bra? I wear a bra. And if I don't wear a bra, then that is also taboo. Oh, she's not wearing a bra. And if it's seen, then oh, it's seen. What do you want? So आपको लगता है जब आपने इसे sign किया होगा इस project को, तो आपने क्या लगा कि क्या difference? ये special है because जिन्होंने लिखी है showstopper मनीष जी, मैं उनको काफी time से जानती हूँ, और I could have trust him कि वो इतने sensitive topic को बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम।